Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Aditi and you are watching The Aditi's World. So in today's video, I am going to be sharing with you guys a kitchen tool haul. So guys, मैंने और मेरी मम्मी ने पिछले कुछ टाइम से कुछ कुछ चीज़ें जमा की है किचन के लिए, तो वो सारी चीज़ों का मैं आज आपके साथ हॉल शेयर करने वाली हूँ। एंड क्योंकि मैंने पास में कभी ऐसे किचन टूल या किचन एक्सेसरीज का हॉल आपके साथ शेयर किया भी नहीं है, बट मैं अपने चैनल पे क्योंकि रेसिपीज़ भी अपलोड करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार आपके साथ किचन टूल्स का हॉल शेयर करूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो, यू नो वॉट टू डू, राइट? मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, प्रेस द लिटिल बेल बटन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्टेड अ न्यू वीडियो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इस पूरे हॉल में से मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई है। तो वो है ये स्टीमर। तो ये खाली बॉक्स है, मैं आपको दिखाती हूँ स्टीमर। तो ये है स्टीमर, सॉरी, एंड इसके अंदर मोमो प्लेट भी है। इस तरह से मम्मी ने अच्छे से इसे पैक करके रखा है। तो ये 3-in-1 स्टीमर है, तो सबसे पहले इस तरह से इसमें इडली भी बना सकते हैं। एंड देन इसके बाद इसके अंदर ढोकला भी बना सकते हैं। ये दो ढोकले की प्लेट हैं एंड 3 इडली की, जैसे कि 3 ही रहती हैं इडली के स्टीमर में। एंड देन इसके बाद ये है मोमो प्लेट। तो पहले जब भी मुझे मोमोज बनाने होते थे तो मुझे एक कढ़ाई रखती है, फिर उसके ऊपर इस तरह से जाली वाली प्लेट रखती है एंड उसके ऊपर से उसे ढक करके स्टीम करने पड़ते थे। बट अब ये आ गया है तो काफ़ी ज़्यादा ये इजी है, फटाक से मोमो बनाओ एंड एक बार में इसमें रख के स्टीम हो जाते हैं एंड ज़्यादा झंझट भी नहीं होता। एंड ये जो एक प्लेट है ना, इसे भर के बना लो तो मेरा एंड मेरे भैया का काफ़ी आराम से हो भी जाता है। सो या फर्स्ट था ये। देन इसके बाद जो मुझे ऐसे रैंडमली दिखते जा रहे हैं तो मैं वही आपको दिखाते जा रही हूँ। देन इसके बाद ये है चाकुली मेकर, लाइक चाकुली बनाने की मशीन। तो मुझे चाकुली खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट मेरे घर में सबको ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मम्मी ने ये चाकुली मेकर लिया है एंड इसके साथ ये इस तरह से और भी प्लेट्स या फिर आप साँचे बोल सकते हो ये आते हैं। तो इसमें आप और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो, बट जब से ये आया तब से हमने ये सारा कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ चाकुली मेकर का ही यूज़ हुआ अभी तक मेरे घर पे। तो नेक्स्ट था ये। देन मेरे पास है ये पिज्ज़ा कटर। तो पिज्ज़ा कटर आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, पहले भी था हमारे घर पर बट वो यूज़लेस था बिल्कुल, उससे बार बार कट करना पड़ता था तब जाके पिज़्ज़ा या कुछ भी चीज़ कट होती थी। बट इससे एक बार में या फिर दो बार में ही अच्छे से कट हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है क्योंकि सिया। देन इसके बाद मेरे पास है ये चॉकलेट मोल्ड। तो ये इस तरह से क्यूट सी चॉकलेट बार, जो आजकल केक पे भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, छोटी छोटी सी बार लगी होती हैं, तो ये वो वाला चॉकलेट मोल्ड है। एंड देन इसके बाद ये लेटर्स वाला। तो केक के साइड में लेटर वगैरह लिखती हूँ। वैसे मुझे आपको पहले ये नहीं दिखाना चाहिए था, पहले मुझे आपको दिखाना था ये टर्न टेबल, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। तो ये है एक केक की टर्न टेबल। तो मैं थोड़ा थोड़ा केक बनाना सीख रही हूँ अपने आप से ही एंड अभी तक मैंने 4 to 5 केक बनाए भी हुए हैं, लाइक फ्रॉस्टिंग वाले। तो उसके लिए ही ये जो सारे मोल्ड हैं ये लेके आए थे हम लोग, तो ये केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ होंगे, तो इसलिए मैंने ये टर्न टेबल ली थी। ओ एंड ऑल्सो गाइज, मैंने आपको प्राइजेस नहीं बताए हैं, तो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी जितनी भी चीज़ों के प्राइजेस मुझे याद होंगे वो, या मम्मी को याद होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोकल मार्केट से एंड एक बार में नहीं खरीदी हैं इसलिए। बट ये अराउंड 250 की आई थी, मुझे ये याद है, लोकल मार्केट से ही ली थी। तो ये टर्न टेबल हो गई, देन इसके बाद ये मोल्ड हो गए एंड इसके बाद ये देखिए गाइस कितने ज़्यादा क्यूट केक के टिन है, केक बेकिंग टिन। ये तो लाइक इतना छोटू सा है कप केक के साइज़ का। एंड देन दो और हैं इस तरह से। तो ये मुझे एंड मम्मी को बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था, तो इसलिए हम लोगों ने इसे ले लिया। मैंने इसे एक बार यूज़ किया है
केक बेक करने के लिए, बाकी दो नहीं किए हैं तो ये। एंड देन इसके बाद मेरे पास है ये छोटी छोटी सी ये डिब्बी, स्टील की डिब्बी है ये। तो यदि आपको पता होगा तो जैन लोग मंदिर चावल एंड द्रव वो सब लेके जाते हैं, तो वो रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। एंड क्योंकि मेरे पापा इधर उधर छोड़ देते हैं तो इसलिए मम्मी ने इतनी सारी एक बार में ख़रीद ली। देन इसके बाद है मेरे पास एक और केक टिन, तो राउंड शेप का केक टिन था नहीं एक भी घर पे, तो मैंने ये लिया था। इसमें काफ़ी अच्छे से केक बेक हो भी जाता है। इसके बाद मेरे पास है ये और दो छोटी छोटी सी डिब्बी डिफरेंट शेप की, एंड इसकी क्वालिटी भी वो छोटी वाली डिब्बी के कंपैरिजन में थोड़ी अच्छी है। एंड इस तरह से ये छोटी छोटी सी डिब्बी कंटेनर्स वगैरह कुछ भी चीज़ स्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड प्लास्टिक के लेने से अच्छा तो स्टील के ही ले लो, तो ज़्यादा बेटर होता है। देन गाइज इसके बाद मेरे पास है ये चार ये लाइक वुडन स्पून का सेट। तो ये मेरा भैया अभी रिसेंट में बाहर घूमने गया था, तो वो मम्मी के लिए ये चार इसका सेट लेके आया था। एक और ऐसा सेम था वो बड़ी मम्मी के लिए लेके आया था वो। तो ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हम लोगों के जो पुराने वाले थे वो ख़राब भी हो रहे थे, सो ये अच्छा है अब आ गए तो। एंड देन इसके बाद है मेरे पास ये छोटा सा विस्क, तो केक वगैरह बनाओ तो जो ड्राई फ्लावर रहता है उसको अच्छे से मिक्स करने में ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है, तो इसलिए मैंने ये लिया था। देन गाइज इसके बाद है मेरे पास ये क्यूट सा सिरेमिक का इस तरह से ये जार, एंड इसमें दही काफ़ी अच्छे से बनता है। तो इस तरह से दो थे, एक में आ गया, सभी दही रखा ही होगा, एक ये खाली था तो मैं ये लेके आई हूँ आपको दिखाने। एंड ये मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइज़ आपको याद होगा कि जनवरी में जब मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो हम लोग भेड़ाघाट गए थे, तो वहाँ से हम ये लेके आए थे दो, एंड ये दो थे फॉर 120 रुपीज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गाइज़ इसके बाद है हमारे पास ये छोटी छोटी सी क्यूट सी कलछरी तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड छोटी सी है, सब्ज़ी वगैरह सर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है एंड छोटी छोटी सी क्यूट भी दिखती है। तो ये दो हैं, और भी ली थी मम्मी ने शायद, मैं अभी दो ही लेके आ गई हूँ ऊपर। एंड देन इसके बाद ये है हमारे पास एक स्टील का स्पैचुला, तो ये रबड़ी वगैरह बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो मम्मी को ये काफ़ी टाइम से चाहिए था एंड ये छोटा सा क्यूट सा मिल रहा था तो मम्मी ने ये ले लिया। गाइज अब ज़्यादा कुछ चीज़ें बची नहीं हैं। इसके बाद मेरे पास है ये कंटेनर, ये प्लास्टिक का कंटेनर है, काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इस तरह से मम्मी ने 6 मंगवाए थे, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मम्मी अपने किचन में यूज़ करती हैं ऐसी कुछ कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए। सो ये है हमारे पास नेक्स्ट कंटेनर। देन इसके बाद प्लास्टिक में ही एक और कंटेनर है हमारे पास इस तरह से, ये थोड़े बड़े साइज़ के, तो ये भी मम्मी ने 6 ही मंगाए थे एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, लाइक इस तरह से बिस्किट्स वगैरह या फिर नूडल्स वगैरह स्टोर करने के लिए। तो मेरी मम्मी इसमें लाइक एक में दाल रखी है, एक में चावल रखी है, एक में पोहा रख लेती हैं, तो इस तरह से ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड ये ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, तो इसमें से लाइक बार बार आपको खोल के नहीं देखना पड़ता, ऊपर से ही आपको दिखेंगे एंड ये अच्छे भी दिखते हैं। एंड गाइस इसके बाद है मेरे पास ये छोटी सी छन्नी, तो ये मिल्क वगैरह पे ढकने के लिए अच्छी होती है, तो बड़ी साइज़ की काफ़ी लोगों के घर में ये होती है, बट ये इतनी सी इसलिए है क्योंकि मेरे पापा के लिए दूध रखना पड़ता है रात को, तो उनके जो मिल्क का ग्लास होता है उसके ऊपर ये ढक दो तो अच्छा रहता है। सो गाइस इसके बाद मेरे पास है ये टिफ़िन, लाइक ये 4 कंपार्टमेंट का टिफ़िन सेट है विनोद का, तो ये इस तरह से टिफ़िन है, लाइक ऑफिस वगैरह जो लोग जाते हैं ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे घर में कोई ऑफिस नहीं जाता है, बट ये हमें गिफ्ट में आया था पापा की शॉप में ही गिफ्ट में आया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। वैसे कहीं कभी पिकनिक वगैरह पे जाना हो या कहीं भी जाना हो तो ये काफ़ी अच्छा होता है, बट ये बहुत ज़्यादा टाइट है इस तरह से, ये टाइट है तो ऐसे ही। इसमें 3 और डब्बे हैं तो मैं आपको निकाल के क्या ही देता हूँ टिफ़िन के डब्बे। तो इस तरह से ये 4 कंपार्टमेंट का टिफ़िन बॉक्स है। देन इसके बाद है मेरे पास ये थर्मस,
तो ये इस तरह से स्टेनलेस स्टील का थर्मस है। काफ़ी लोगों के घर में ये होता होगा, तो आपने देखा होगा इस तरह से। एंड इसमें पानी ठंडा गर्म, लाइक पानी तो कोई नहीं रखता, चाय कॉफ़ी रखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कहीं अगेन कहीं पिकनिक वगैरह जाना हो तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस रियली क्यूट बास्केट, एंड इसकी इस तरह से ना शेप चेंज भी होता है। तो इसमें फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए स्टोर कर सकते हो अपने किचन में। इस तरह से ये इसका शेप चेंज होता है, तो यदि आपने इसे इस तरह से लंबा कर दिया तो इसके अंदर आप इस तरह से इजीली अपने स्पैचुला वगैरह भी रख सकते हो। वैसे हम लोग इसे फ्रूट्स रखने के लिए यूज़ करते हैं इस तरह से। तो या तो गाइज ये था हमारे इस हॉल का लास्ट आइटम। सो या होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस हॉल। इफ़ यू डू यू नो व्हाट टू डू राइट, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। Subscribe to my channel, press the little bell button so you get notified every time I post a new video. And also guys, if you have any video suggestions, then do not forget to share it with me in the comment section below. And if you are watching this space for the very first time, do not forget to check all the videos link below. And also guys, do not forget to follow me on my Instagram. These are my Instagram handles and I'm super active there. And now I'll see you in my next video. Till then, stay healthy, stay positive, and bye guys.